सुपर एक्ट्रेस श्रीदेवी ने बचपन से ही अपने को सिनेमा के नाम कर दिया था। वो आगे चलकर अपने वक्त की सबसे फेमस एक्ट्रेस बनी। श्रीदेवी की खूबसूरती ने सबको अपना दीवाना बना दिया था। ये भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार बनी। श्रीदेवी खूबसूरती और एक्टिंग की अनूठी मिसाल थी, जो कि हवा हवाई के नाम से फेमस हो गई थी। श्रीदेवी का पूरा नाम है श्री अम्मा यंगन अरियप्पन। इनका जन्म 1963 को मद्रास में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अयप्पन। पिता शिवकाशी में ही वकील का काम किया करते थे। इनकी माँ का नाम था राजेश्वरी। श्रीदेवी को प्यार से अम्मू कहा जाता था। श्रीदेवी की छोटी बहन का नाम है श्रीलता। श्रीदेवी कभी स्कूल कॉलेज गई नहीं थी। इन्होंने बचपन से सिर्फ सिनेमा का पर्दा ही देखा था। ये 4 साल की उम्र में ही सिनेमा में काम करने लगी थी। इन्होंने कई तमिल फिल्में की। तमिल फिल्म करते करते इन्हें मलयालम फिल्म में भी मौका मिला। मलयालम में इनकी फिल्म थी कुमार संभव। इन्हें बेस्ट चाइल्ड का अवार्ड भी मिला। श्रीदेवी को जब पहला अवार्ड मिला तब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। बाल कलाकार के रूप में श्रीदेवी का फेम बढ़ने लगा और इन्हें कई भाषाओं में फिल्में मिलने लगी। श्रीदेवी को कभी भी अपनी पढ़ाई न कर पाने का अफसोस नहीं हुआ। वो हमेशा यही कहती थी कि अगर मैं दोबारा जन्म लूं तो मैं फिल्मों में ही अपनी आंखें खोलूं। श्रीदेवी को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। उन्होंने डांस के द्वारा पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था। जूली मूवी में इन्होंने जूली की छोटी बहन का रोल किया था। 16वां श्रावण मूवी से श्रीदेवी ने हिंदी मूवी में डेब्यू किया था। श्रीदेवी ने लगातार एक के बाद एक कई अवार्ड अपने नाम किए। फिर हिम्मत वाला मूवी से कम बैक किया। हिम्मत वाला मूवी श्रीदेवी की एक सुपरहिट फिल्म रही। इस फिल्म से श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी सुपरहिट जोड़ी बन गई। जितेंद्र पहले तो डर रहे थे कि श्रीदेवी तो एक बहुत बड़ी डांसर हैं और शायद मैं उनके सामने टिक ना पाऊं। लेकिन दोनों का डांस सुपरहिट हो गया। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा की तरफ फोकस किया, लेकिन अपने साउथ सिनेमा को भी कभी नहीं छोड़ा। वहाँ भी वो लगातार काम करती रही। श्रीदेवी जब पर्दे पर नजर आती थी तो उनके सामने और कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। ऐसा ही डांस और सुंदरता दिखाई इन्होंने अपनी मूवी तोहफा में। ये मूवी भी जितेंद्र के साथ ही थी। ये फिल्म 1984 में आई और ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में इनके साथ जयप्रदा भी थी। जयप्रदा के साथ था गाना प्यार का तोहफा 13। दूसरी तरफ श्रीदेवी के साथ गाना था एक आंख मारू। ये दोनों ही गाने सुपर हिट रहे और दोनों ही गाने आशा भोसले और किशोर दा की आवाज में थे। इस फिल्म से शक्ति कपूर भी सबकी नजर में आए। श्रीदेवी और शक्ति कपूर का रिश्ता भाई बहन का था। दोनों ने एक साथ 17 फिल्मों में काम किया। हिम्मत वाला इन दोनों की पहली फिल्म थी। शक्ति कपूर ने श्रीदेवी को संघर्ष करते हुए बहुत ही नजदीक से देखा था। कैसे श्रीदेवी ने हिंदी और इंग्लिश भाषा को सीखने में कड़ी मेहनत की। शुरुआत में ये दोनों ही भाषाएं डराती थी, लेकिन इन्होंने दोनों ही भाषाएं सीख ली। श्रीदेवी और जितेंद्र ने 16 फिल्मों में साथ में काम किया। श्रीदेवी अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल अलग अलग रखती थी, लेकिन एक दो बार उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी खुल के बताया। फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान मिथुन और श्रीदेवी में प्यार हो गया था और गलियारों में ये बात गूंज रही थी कि मिथुन और श्रीदेवी ने गुप्त रूप से शादी कर ली है। मिथुन चक्रवर्ती को बोनी कपूर का श्रीदेवी से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे में श्रीदेवी ने बोनी कपूर को बुलाकर मिथुन के सामने बोनी कपूर के हाथों में राखी बांध दी। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी आत्महत्या करने चली थी। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने अपने परिवार को चुना और एकदम से श्रीदेवी को मना कर दिया और एकदम से श्रीदेवी का साथ छोड़ दिया। उनकी ये शादी गुप्त की गुप्त रह गई। जब कभी श्रीदेवी से शादी के बारे में पूछा जाता था तब श्रीदेवी कहती थी, इसके बारे में मैं अपनी माँ की राय ही मानूंगी और अरेंज मैरिज ही करूंगी, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। अगर आगे चलकर हमारे रिलेशन में कोई कमी आई तो मैं इसका जिम्मा अपनी माँ को ठहराऊंगी। श्रीदेवी की एक्टिंग को लोग देखते रह जाते थे, क्योंकि उनकी एक्टिंग भाषा से कहीं ऊपर थी। वैसे तो श्रीदेवी रिजर्व नेचर की थी, मगर जैसे ही कैमरा ऑन होता था वे एक अलग ही अवतार में नजर आती थी। ऐसा लगता था कि कैमरा ही उनका बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने दोस्त बहुत ही कम बनाए थे। वो जैसे ही शूटिंग खत्म करती थी जाकर एक कोने में बैठ जाती थी। जिससे बात करना पसंद करती थी उससे दिल खोलकर बातें करती थी। सेट पर कभी भी हंसी मजाक करना और फ्रैंक करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक्टिंग इस प्रकार करती थी जैसे घर में बैठकर ये अपना कोई घर का काम कर रही हूँ। हिम्मत और मेहनत फिल्म में रेखा लीड रोल में थी, लेकिन उनकी डेट्स न मिलने के कारण डायरेक्टर ने जितेंद्र से कहा, क्या वो इस फिल्म में श्रीदेवी को ला सकते हैं? जितेंद्र और श्रीदेवी अच्छे दोस्त थे। जब जितेंद्र ने श्रीदेवी से ये बातें कही तो श्रीदेवी आसानी से मान गई।
गई। तब श्रीदेवी ने फिल्मों में काम किया लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई। सदमा मूवी तमिल फिल्म का रिमेक थी। ये फिल्म तमिल में भी सुपरहिट रही थी। इसके लिए श्रीदेवी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। श्रीदेवी ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने बाप के साथ साथ बेटे से भी रोमांस किया। श्रीदेवी ने कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ रोमांस किया, वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे सनी देओल के साथ भी रोमांस किया। ये एक ही समय पर पिता और पुत्र दोनों की एक्ट्रेस बनकर आईं। श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के भी साथ सुपरहिट जोड़ी बनाई, मगर श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ बहुत कम फिल्में की। ना मूवी में श्रीदेवी ने ऐसा इच्छाधारी का रोल किया कि सारी दुनिया देखती रह गई। वैसे तो नाग नागिन पर बहुत सी फिल्में बनी, मगर सबसे बेहतरीन फिल्म नगीना का ही नाम आता है। नगीना मूवी की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी की आंखों में भी बहुत दिक्कत हो गई थी, मगर उन्होंने सारी दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और कहीं भी सीन में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने डांस और एक्टिंग की वजह से नगीना मूवी आज भी लोगों के बीच में याद की जाती है और लोग बार बार उसे देखना पसंद करते हैं। शिफॉन साड़ी का चलन भी श्रीदेवी ने ही बढ़ाया। गीत था हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। इससे पहले शिफॉन साड़ी कभी इतनी लोकप्रिय नहीं हुई थी। हीर रांझा वो मूवी थी जिसमें श्रीदेवी ने खुद अपनी ड्रेस तैयार की थी। डांसर में सम्मी कपूर और माइकल जैक्सन श्रीदेवी को पसंद थे। श्रीदेवी को बिल्लियों से काकरोचों से बहुत डर लगता था। मिस्टर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके रियल काकरोच वाले सीन को देखकर श्रीदेवी रियल में डर गई थी और उनके डर के रियल सीन को कैमरे में कैद किया गया। उनकी मूवी मिस्टर इंडिया भी एक सुपरहिट फिल्म रही। श्रीदेवी 30 सालों तक टॉप के हीरोज के साथ एक्टिंग करते नजर आईं। 70 के दशक में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, ऋषि कपूर और 80 के दशक में सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और 90 के दशक में शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान की नायिका बनकर आईं। श्रीदेवी और संजय दत्त की कभी भी नहीं बनी। 1983 में हिम्मत वाला फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त श्रीदेवी की खूबसूरती की चर्चाओं को सुनकर उनसे मिलने के सेट पर पहुंच गए, लेकिन श्रीदेवी के अनुसार संजय दत्त उस समय नशे में थे। संजय दत्त जैसे ही है श्रीदेवी उठकर मेकअप रूम में चली गई। तब श्रीदेवी ने ये तय कर लिया कि मैं इस अभिनेता के साथ कभी भी काम नहीं करूंगी। कई सालों बाद महेश भट्ट के कारण संजय दत्त और श्रीदेवी ने फिल्म गुमराह में साथ में काम की और शूटिंग के दौरान वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, जिसके कारण पूरी यूनिट भी परेशान होती थी। पहले फिल्मी शूटिंग के दौरान ज्यादा सुविधा नहीं हुआ करती थी। शूटिंग के दौरान कपड़े चेंज करने के लिए हमें किसी दीवार या बड़े पेड़ का सहारा लेना पड़ता था। एक बार एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, क्या आप अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए किसी सर्जरी या इंजेक्शन का ट्रीटमेंट लेते हैं? श्रीदेवी शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो खूबसूरती है जो मुझे भगवान ने दी है, इसमें कोई केमिकल का असर नहीं है। फिल्मों में आने के लिए टैलेंट, लुक, लक और ब्यूटी की जरूरत होती है। ब्यूटी का मतलब नेचुरल ब्यूटी होता है, जैसे मधुबाला थी। यश चोपड़ा एक बार कार से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में कई जगह पर एक्शन मूवी के पोस्टर लगे हुए देखे। तभी उन्होंने दिमाग में चांदनी मूवी बनाने का सोचा और श्रीदेवी को सफेद कपड़ों में सबके सामने प्रस्तुत किया। सफेद कपड़ों के पीछे का राज ये था कि चांद की चांदनी सफेद ही होती है और उनका सलवार कुर्ता और दुपट्टा का लुक बहुत ही फेमस हुआ। पहली बार श्रीदेवी ने इस मूवी में गाना गाया, वो गाना था चांदनी ओ मेरी चांदनी। इसी मूवी का एक गाना मेरे हाथों में नौ चूड़ियां इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी महिला संगीत या फंक्शन में ये गाना गाया जाता है। हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रीदेवी का दीवाना था। आखिरी रास्ता वो मूवी थी जिसमें श्रीदेवी की आवाज बनी थी रेखा, क्योंकि श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी। श्रीदेवी की शादी बोनी कपूर से हुई थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल मूवी में देखा, तब से बोनी कपूर श्रीदेवी के दीवाने हो गए थे। श्रीदेवी की उस समय फीस 8 लाख रुपए हुआ करती थी। श्रीदेवी की बहन और या तो मम्मी उनके साथ हमेशा रहती थी और श्रीदेवी की माँ ही उनकी डेट फिक्स किया करती थी। श्रीदेवी की मदर ने बोनी कपूर को 10 लाख पेमेंट की बात कह दी। ऐसी डिमांड सुनकर बोनी कपूर थोड़ी देर देखते रह गए और फिर कहा कि मैं 11 लाख रुपए दूंगा। फिर मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी की डेटें फिक्स कर दी गई। मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी का बहुत ध्यान रखा। उस समय बोनी कपूर शादीशुदा थे, मगर वो श्रीदेवी के प्यार में अपने को गिरफ्त महसूस कर रहे थे। ये श्रीदेवी की मदर के टच में रहते थे और उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। 1996 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इनकी माँ का निधन हो गया। डॉक्टर ने गलत हिस्से का ऑपरेशन कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी माँ की मौत हो गई। श्रीदेवी की माँ की मौत के बाद बोनी कपूर ही ऐसे शख्स
थे जो श्रीदेवी का बहुत ख्याल रखते थे और हर सुख दुख में उनका सहयोग करते थे। श्रीदेवी ये बात नोट किया करती थी, इसी कारण दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर ने ही श्रीदेवी को शुरुआती दिनों में अपने घर में रहने की इजाजत दी थी, पर मोना कपूर को ये नहीं पता था कि आगे चलकर ये घर श्रीदेवी का हो जाएगा और मोना कपूर उस घर से आउट हो जाएंगी। श्रीदेवी के लिए बोनी कपूर ने मोना कपूर को तलाक दे दिया। फिर बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी हो गई। फिर इनकी फिल्म आई जुदाई और उस मूवी ने इनकी फिल्मों से ही जुदाई करवा दी। इस फिल्म के बाद 15 साल तक श्रीदेवी ने दोबारा काम नहीं किया। श्रीदेवी और बोनी कपूर की दो बेटियां हुई, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। 15 साल के बाद इन्होंने फिर से कमबैक किया इंग्लिश विंग्लिश मूवी में, जिसमें ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए नजर आई। श्रीदेवी चम्मच नहीं बल्कि अपने हाथों से ही खाना खाती थी। श्रीदेवी को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, वो भी पाइनएप्पल फ्लेवर। श्रीदेवी मदर इंडिया के रोल को निभाना चाहती थी, ये उनका फेवरेट रोल था जो कि नरगिस ने निभाया था। इनकी सदमा मूवी भी बहुत ही हिट मूवी रही, जिससे इन्हें अवार्ड भी मिला और लोगों ने इनके रोल की बहुत तारीफ करी। श्रीदेवी के मालिनी अय्यर के रोल को कौन भूल सकता है। उन्होंने अनेक तरह के टीवी शोज भी किए। इन्होंने मॉम मूवी में भी काम किया। इस फिल्म में निभाया इनका मदर का रोल काबिले तारीफ रहा। श्रीदेवी कहा करती थी कि फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो आप अपने पति और बच्चों के साथ बैठकर देख सके, ऐसा ना हो कि आपको शर्म आए अपने बच्चों और अपने पति को अपनी फिल्म दिखाने पर। श्रीदेवी योग किया करती थी और उन्हें बेटियों के साथ टेनिस खेलना बहुत पसंद था। श्रीदेवी को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो कहती हैं कि अगर मैं एक एक्टर ना होती तो मैं पेंटर होती। सन 2013 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी कैरियर में बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए। सन 2017 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सच बात तो यह है कि दर्शकों के दिल में उनके लिए जितना प्यार है वो उससे बढ़कर कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता। श्रीदेवी बहुत खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। श्रीदेवी सन 2018 में अपने भतीजे मोहित की शादी के लिए अपनी बेटी के साथ दुबई चली गई। शादी खत्म होने के बाद वो दुबई में ही रुक गई क्योंकि उनकी बड़ी बेटी 21वां जन्मदिन आने वाला था, जिसके लिए उन्हें शॉपिंग करनी थी। श्रीदेवी बोनी कपूर को पापा कहा करती थी। बोनी कपूर शादी में नहीं गए हुए थे, तभी श्रीदेवी ने एक दिन फोन करके कहा पापा आई मिस यू, और बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वहां पहुंच गए। दोनों ने एक घंटे तक साथ में बातें की, फिर डिनर पर जाने के लिए श्रीदेवी नहाने के लिए चली गई। बोनी कपूर होटल के लिविंग रूम में श्रीदेवी का वेट करने लगे। तकरीबन 15-20 मिनट तक जब श्रीदेवी बाहर नहीं आई, तब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को फोन किया, मगर श्रीदेवी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और बोनी कपूर को ये थोड़ा अजीब लगा। फिर बोनी कपूर ने होटल के रूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में पड़ी हुई थी और पानी में डूबने के कारण श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी। फिर श्रीदेवी की डेड बॉडी को मुंबई लाकर यहीं पर दाह संस्कार किया गया। श्रीदेवी की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की अपार भीड़ उमड़ी। रामेश्वरम तमिलनाडु में उनकी अस्थियां विसर्जित कर दी गईं। इस तरह 24 फरवरी सन 2018 वो तारीख रही जब श्रीदेवी हमें छोड़कर चली गई। श्रीदेवी ने पूरे इंडिया के दिलों में राज किया। आज के जमाने की हर अभिनेत्री उनके जैसा बनना चाहती है।